नमस्कार, मैं नवजोत सिंह। आज हमें एक माला राम कॉलोनी से, जो जैन परिवार का घर है, वहां पर हमें एक फोन आता है कि एक सांप दिखाई दिया है कुछ मजदूरों को। मैं, मेरी टीम के सदस्य वहां पर पहुंचते हैं और सांप ईंटों के बीच में छुप गया था। तो मैं और मेरी टीम के सदस्य और कुछ मजदूर के साथ लग के उस ईंटों को साइड में किया और सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया। ये सांप एक बुलुप स्नेक प्रजाति का सांप था। इसमें 1% जहर नहीं होता और फुर्तीला इतना होता है, ये पलक झपकते आदमी को काट लेता है। और इसके दांत 50 के करीब दांत होते हैं और जैसे आरी का ब्लेड होता है वैसे ही इसके दांत होते हैं। और जैसे एक बंदा या कोई आदमी इसके पास जाने की कोशिश करता है तो इसके अंदर इतनी फुर्ती होती है, उस बंदे को भी काट लेता है। 2.5 फुट के करीब, या ये करीब का यह होता है, 2.5 फुट से ऊपर नहीं बढ़ते ये सांप। और ऐसे ही सांप ज्यादातर कच्ची दीवारों में और प्लाटों में ये छुपे रहते हैं रात को शिकार करने के लिए, जैसे मेंढक, छिपकली, टिड्डी और छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं और उनको खाने के लिए ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं। एक काम अपने ये करना है, जैसे कि अब गर्मी आ रही है, गर्मियों में अब बरसात का टाइम शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप कूड़ा करकट घर में ना रहने दें, क्योंकि ज्यादातर ये कूड़ा करकट में ही ज्यादा रहते हैं। हर एक घर की साफ सफाई ज्यादा रखें और बाहर कहीं इंग्लिश घास होता है उसको भी कटाने का काम करें, क्योंकि उसमें भी ज्यादातर छुपे रहते हैं। बिलों में, घर के आसपास से बिल बहुत होती हैं, काफी लोगों के घरों में मैंने आसपास देखी हैं, तो बिलों में जब चूहे अपनी बिल बनाते हैं उसमें ये रहना शुरू कर देते हैं। तो जितना भी हो सकता है आप इतना ये कर सकते हैं, और एक फिनाइल का पोचा जरूर डेली करते रहें। और मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर सांप की अगर कहीं दिखता है तो हमारी टीम को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार बंदा मुसीबत में होता है, उसको नंबर नहीं मिलता। काफी बार लोग मुझे मिलते हैं तो वो यही कहते हैं भी, हमें आपका नंबर नहीं मिलता। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, ये नंबर को सेव करें, कई बार जरूरत पड़ने पर भी आप हमें टीम को बुला सकते हैं, जिससे हमारी टीम अगर रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित जंगलों में छोड़ देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।